बीते कल रात सोनपुर मेला के इसी मंच पर अनामिका आय जैन अंबर का कार्यक्रम होना था। उनके साथ पूरी टीम आनी थी, लेकिन अचानक से कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा और नए कलाकारों को, या कहें लोकल कलाकारों को बुलाकर अचानक से कार्यक्रम कराना पड़ा। कुछ कलाकार लोग हैं, इन लोगों से जानते क्या मामला था, कैसे अचानक से आप लोगों को कार्यक्रम करने के लिए कहा गया था, क्या कारण था, कुछ पता चला? कारण तो उतना हमको पता नहीं चला, लेकिन हमको इतना मालूम था कि आज यहाँ शेर शायरी मुशायरा का कार्यक्रम था। लेकिन अभी हम लोग को तो अचानक कॉल किया कि कुछ कलाकार यहाँ जो आने वाले थे वो कलाकार पहुँचे नहीं हैं, तो इसीलिए अब हम लोग को फिर कॉल किया है, तो फिर हम लोग आके कॉल कार्यक्रम को किए। क्या कार्यक्रम किया आप लोग? हम लोग वही जो कला से जुड़ा हुआ है, जो कल्चरल हम लोग करते हैं, जट जटिन हो गया या और भी बहुत सारे फोक जो अपना लोकल जो कार्यक्रम। हाँ, लोकल जो हम लोग का जो इस मंच का गरिमा है, जिस जो कि हम लोग सांस्कृतिक अपना दिखाते हैं कल्चर। हाँ, वो इनका कहना है कि अचानक से इन्हें कार्यक्रम करना पड़ा। मैं आपको बता दूं कि अनामिका जैन अंबर ने यहाँ से जाने के बाद एयरपोर्ट से एक लाइव फेसबुक लाइव किया है, जिसमें उन तमाम बातों की जानकारी दी है कि उन्हें प्रशासन ने किस प्रकार से मना किया है। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि देशभक्ति के बारे में बात करना अगर गुनाह है तो वो गुनाह करती रहेंगी, और उन्हें बिहार में कार्यक्रम न करने दिया गया इसके लिए उनका काफ़ी मलाल है। खास करके इस सोनपुर मेला, हरिहर क्षेत्र मेला के का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि उन्हें कार्यक्रम करने से रोका गया, और इसी बात को लेकर तमाम जो कवि हैं वो कार्यक्रम करने से कह सकते हैं कि उन्होंने भी मना कर दिया। और ऐसी की जानकारी मिलते ही पूरा जो ये दर्शक दरगाह है वो पूरा खाली हो गया था। मैं आपको दिखा दूं कि किस तरीके से ये पूरे कुर्सियां लगी हुई हैं, ये सोफ़ा कुर्सी तमाम चीज़ें यहां पर लगी हुई हैं, ये सब पूरी तरीके से खाली हो गए। और फिर अचानक से कुछ नए कलाकारों को बुलाकर कार्यक्रम करना पड़ा, मजबूरन कह सकते हैं कार्यक्रम करना पड़ा। फिर धीरे धीरे करके कुछ कला के जो क्षेत्र में जो लोग हैं या जो जुड़े हुए लोग हैं वो धीरे धीरे आकर के इस कार्यक्रम में हिस्सा लिए। अनामिका जैन अंबर के इस फेसबुक लाइव ने पूरे मामले में बौखलाहट ला दी है, और उम्मीद जताई जा रही है कि इसके बाद बिहार और उत्तर प्रदेश, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं, बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति में निश्चित तौर पर गर्माहट आएगी और बयानों का दौर जरूर जारी होगा। कि जिस प्रकार से उन्होंने बातें कही हैं कि वो देशभक्ति की बात करती हैं और देशभक्ति की बात करना गुनाह है, तो वो ये गुनाह करती रहेंगी। ये उन्होंने फेसबुक लाइव के माध्यम से पटना एयरपोर्ट पर दिखाते हुए कहा कि वो अभी पटना एयरपोर्ट पर हैं और लाइव हैं, और ये बात उन्हें खल रही है कि वो बिहार में सिर्फ प्रशासन के कहने पर ये कार्यक्रम नहीं कर पाए। हालांकि प्रशासन ने इस मामले को लेकर दूसरे तरीके से बात कही है, उन्होंने कहा है कि वो लोग पहुंच नहीं पाए किसी कारण से, लेकिन अनामिका जैन अंबर ने जिस प्रकार से फेसबुक लाइव करके तमाम बातें लोगों तक पहुँचाई है, अब इस पर राजनीति होना तो तय ही माना जा रहा है। कैमरामैन रतन के साथ विकास आनंद, जी मीडिया सोनपुर।